राहुल गांधी के फैसले के खिलाफ हुए कांग्रेस नेता। क्या कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे बड़ी बगावत? हरियाणा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में बड़ी फूट। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं होगा गठबंधन। इस वक्त चुनावों का मौसम है और हरियाणा को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी के बीच ये चर्चा हुई कि वो एक बार फिर से हरियाणा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, तो इस चर्चा के खिलाफ कई सारे कांग्रेस नेता खड़े आए। सीधे तौर पर हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस में बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि आज एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान एक बड़ी बैठक बुला सकता है जिसमें हरियाणा चुनाव के इस मसले को सुलझाया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस की एक बैठक हरियाणा में भी हुई जहां पर एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच मीटिंग से ही उठ करके चले गए और उनकी ये नाराजगी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान और कई सारे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं और इसी गठबंधन के आधार पर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, तो इससे न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि उनका पूरा का पूरा जो गुट है वो नाराज दिखाई दे रहा है। बता दें कि इस बीच कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार ही नहीं है। गठबंधन का फैसला करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो करना चाहेंगे तो हम इस बात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेरा अपना अगर व्यक्तिगत अगर आप व्यू ये है कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है और लिस्ट फाइनल की जा रही है। इसके अलावा गठबंधन का दौर भी जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस में लिस्ट जारी होने से पहले खींचतान शुरू हो चुकी है। इसके मद्देनजर पार्टी आलाकमान ने फिर से हरियाणा चुनाव को लेकर के सीईसी की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। सीईसी शुक्रवार शाम 5 बजे बुलाई गई है। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला सीटों को लेकर मची खींचतान को सुलझाने के लिए गठित एक उप समिति की मैराथन बैठक के बाद लिया है। ऐसे में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने में अब और अधिक समय लग सकता है। दरअसल कांग्रेस हरियाणा में बड़ी संख्या में सीटों पर खींचतान मची हुई है और इसका समाधान निकालने के लिए सीईसी को दोबारा बुलाया गया है। उप समिति की बैठक के बाद भी 30 से अधिक सीटों पर खींचतान मची हुई है। बता दें कि सियासी गलियारों में इस खींचतान के पीछे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और सांसदों को टिकट नहीं देने का फैसला भी बताया जा रहा है। चर्चा है कि पार्टी के कुछ सांसद टिकट न मिलने से नाराज चल रहे हैं, हालांकि पार्टी की तरफ से इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर कांग्रेस के कुछ नेता जहां वोट के विभाजन को रोकने के लिए आपके साथ गठबंधन के पक्ष में है, तो वहीं अन्य ने इस पर आपत्ति जताई है। खबर है कि इसे लेकर खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट काफी ज्यादा नाराज हो गया है। इसके अलावा कई विधायकों के टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही है, जिसकी वजह से हुड्डा गुट के नेता परेशान है। खबर है कि गुरुवार की बैठक में हंगामा हुआ, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मीटिंग में बीच में ही उठ करके चले गए। सभी की नजर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन पर है। इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं। कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में 1 सीट लड़ी थी। इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें आती है। इस आधार पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसे विधानसभा में 10 सीटें मिलनी चाहिए। गठबंधन की संभावनाओं को देखने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर संभावित रूप से तय होगा कि आम
आदमी पार्टी को राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें दी जा सकती है। इस बीच टीएस सिंहदेव ने कहा कि गठबंधन की संभावना पर पिछले दरवाजे से विचार विमर्श जारी है और इस पर किसी की कोई आपत्ति नहीं है। ये दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। यदि हम गठबंधन में हैं और हम एक परिवार का हिस्सा हैं तो परिवार के हर सदस्य को अपनी बात रखने का बराबर अधिकार है। अगर आम आदमी पार्टी सहज महसूस होती है तो हम मिलकर काम करेंगे और अगर नहीं तो हम साथ रहेंगे और अपना काम करेंगे। सुनिए टीएस सिंहदेव का ये बयान। अलायंस नेशनल इश्यूज को लेके अलायंस बना था। जो चैलेंजेस राष्ट्रीय स्तर पे हमारे सामने थे, संविधान से लेके, अनएम्प्लॉयमेंट से लेके, महंगाई से लेके, डिफेंस से लेके, अग्निवीर, ये नेशनल इश्यूज से जिसको हम सब ने जरूरी समझा कि एक प्लेटफॉर्म पे आके हमको लड़ना चाहिए, नहीं तो जिसको 35% वोट मिलते हैं वो सरकार छाती पीट के चला रहा है। 56 इंच का सीना उनका है जिनको 35% वोट मिलते हैं, और 65% है उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं रह जा रही है पार्लियामेंट में। आप बहुमत के नाम पे कुछ भी लेजिस्लेशन पास कर दे रहे हैं अपने मन मुताबिक। राज्यों के दर्जे को आप समाप्त कर दे रहे हैं। 370 की आड़ में आपने राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ऐसी चुनौतियां संवैधानिक जब देश के सामने हैं तो साथ आने की जरूरत है उन 65% आबादी के लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं उनके साथ नहीं। इन बातों को लेकर जब हम स्टेट में आते हैं तो वो इश्यूज सेम नहीं रह जाते और यहाँ फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लचीलापन आ जाता है अपने से लड़ने का। आम आदमी पार्टी के साथ हम लोग नेशनल चुनाव भी लड़े लेकिन पंजाब में अलग लड़े, आपस में भी हम लोग लड़े एक फ्रेंडली वातावरण में, आपस में तालमेल भी नहीं टूट रहा है, हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, ऐसा भी आपने नेशनल लेवल पे देखा। उसी को नीचे तक भी देखिए, हमारे संबंध कोई बिगड़ने वाले नहीं। कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि नहीं, हमको लगता है कि सभी लड़ लो, सब लड़ लो, साथ लड़ सकते हो, पॉसिबिलिटी है क्या? गिव एंड टेक, रैशनल रीजनेबल, कार्यकर्ताओं के भी ध्यान में रख के, उनके भी दल के, हमारे भी दल के, सबकी भावनाओं को भी ध्यान में रख के प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? होगा तो करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बैठक के बाद कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव का बयान भी सामने आया। जब उनसे 2024 के हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस आप गठबंधन की बातचीत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपका कोई आधार ही नहीं है, मुझे लगता है कि उन्हें वहां क्यों जगह दे, लेकिन यदि कोई मजबूरी है तो ये आला कमान तय करेगा कि क्या करना चाहिए। वे अन्य राज्यों में भी उनके साथ समझौता करना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही तय करेंगे कि हमें गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरी निजी राय है तो हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस लोगों के दिलों में बसती है। अजय सिंह यादव ने कहा कि आप कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको हरियाणा में क्यों घुसने दिया जाना चाहिए। बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। यहां एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले यहां 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी लेकिन विष्णुई समाज के सदियों पुराने त्योहार आजोस अमावस के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके नतीजे 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही घोषित किए जाएंगे। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी, बाद में दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई गई थी। हालांकि इसी साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। फिलहाल हरियाणा में एनडीए के पास 43 और इंडी ब्लॉक के पास 42 सीटें मौजूद है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।